सांगर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आज का टॉपिक है वो है ईमेल। हम बात करेंगे कि ईमेल, नॉर्मल मेल सिस्टम और बाकी के कम्युनिकेशन कैसे होते थे। तो आज के पहले सबसे पहले कंटेंट देखते हैं कि आज इस लेक्चर में क्या क्या कवर होगा। नेक्स्ट, सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ईमेल में क्या क्या है, क्या नहीं है, बेसिक एडवांटेज क्या है, ईमेल प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, जो रिसीवर साइड और सेंडर साइड प्रोटोकॉल्स हैं उनमें सेंडर साइड में सबसे पहले एसएमटीपी की बात करेंगे, फिर पॉप और फिर आईमैप की, और फिर आईमैप और पॉप को हम कंपेयर करेंगे। लास्ट में पूरा जो लेक्चर होगा उसको समराइज करेंगे। नेक्स्ट, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि ईमेल है क्या और बेसिक एडवांटेज क्या क्या है। तो ईमेल बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो नॉर्मल मेल सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है। नॉर्मल मेल सिस्टम को रिप्लेस करने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लेटर बेस्ड कम्युनिकेशन था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि रह गए थे, उन्हें हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल आया, जिसने कि नॉर्मल मेल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में टाइम रिड्यूस किया, इसके अलावा रिलायबिलिटी इंक्रीज की, और सबसे बात इंपॉर्टेंट बात कॉस्ट भी कम हुई। तो ये बेसिकली शॉर्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल का। नेक्स्ट, ये बेसिकली सेंड और रिसीव करने के लिए दोनों के लिए ही काम आता है। नेक्स्ट, अब ईमेल मैसेज क्या क्या कंटेन कर सकता है। नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट हो सकती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसके साथ इमेजेस अटैच की जा सकती हैं। अटैच क्या नहीं किया जा सकता, ऐसी फाइल्स जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं और क्लाइंट के कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकती हैं, वो अटैचमेंट्स इसके साथ नहीं जोड़े जा सकते, बाकी सभी चीजें इसके साथ अटैच की जा सकती हैं। बेसिक एडवांटेज, पहला फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं है। जो डिलीवरी टाइम है ईमेल्स का एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेल या लेटर्स के बहुत कम है, ये सेकेंड्स में ही ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवर हो सकता है। सिंपल है, इसमें केवल लॉगिन करना है, कंपोज करना है और सेंड करना है। ईमेल एड्रेस एज कम्पेयर टू नॉर्मल एड्रेस के इजी है लर्न करने में भी और यूज करने में भी। इसके केवल दो ही कंपोनेंट्स हैं, पहला यूजर आईडी और दूसरा डोमेन नेम। नेक्स्ट, पेपरलेस है तो प्लेनेट के लिए भी बेनिफिशियल है और ये जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, ये जो है मल्टीपल जो रिसीवर्स हैं उनको भी हम लेटर एक ही सिंगल मेल से सेंड कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज करने की एक फैसिलिटी देता है ये। बाय डिफॉल्ट भी हमारे जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑर्गेनाइज्ड ही होता है, जैसे सेंड मेल अलग होते हैं, रिसीव्ड मेल इनबॉक्स में होता है, जो ड्राफ्टेड लेटर्स हैं वो ड्राफ्ट्स में होता है, ऐसे ही स्पैम्स में अलग से जो अनवांटेड कम्युनिकेशन हैं वो स्पैम्स में होते हैं। नेक्स्ट, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी मिलता है। नेक्स्ट, इसे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ये सबसे मेन फीचर है जो ईमेल का कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं से भी इसको रिसीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बेसिक इंटरफेस है। ईमेल दिखता कैसा है, तो जब भी हम ब्राउजर में हमारा लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद में हमें यूजर नेम दिखाई देता है, ये हमारे इनबॉक्स, सेंट आइटम्स, ड्राफ्ट्स, ये लेबल्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं, साथ में हमें जो मेल्स रिसीव हुए हैं वो हमारे पास में बाय डिफॉल्ट आते हैं। यहाँ पर जब भी हम सेंड करने के लिए कंपोज करते हैं तो कंपोज के लिए आइकन होता है, जैसे ही आइकन पे क्लिक करते हैं पॉपअप विंडो आती है, पॉपअप विंडो में हमें टू सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट और ये मैसेज की बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। टू जो रिसीवर है उसका एड्रेस होता है, सीसी जिसको हम कार्बन कॉपी देना चाहते हैं, जो मेन रिसीवर नहीं है पर फिर भी हम उसे इंटीमेशन के लिए भेजना चाहते हैं उसको कार्बन कॉपी में रखते हैं। बैकवर्ड कार्बन कॉपी में और कार्बन कॉपी में बेसिक डिफरेंस ये है कि दोनों में ये पता नहीं चलता, बीसीसी में ये पता नहीं चलता कि रिसीवर को कि बीसीसी किसको दी गई है। नेक्स्ट, अब ईमेल सिस्टम कैसे काम करता है, बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट में। नेक्स्ट, हमारे पास में ये सेंडर है, सेंडर और रिसीवर के बीच में हमारे पास में सबसे पहले जब सेंडर मैसेज करके कंपोज करके सेंड कर देता है तो उसके बाद में मैसेज जो है वो उसके खुद के मेल सर्वर पर, यानी मेल ईमेल
सर्वर यानी सेंडर का ईमेल सर्वर पर वो जाता है, और वो जाता कैसे है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से वो जाता है। तो पहले चरण में एसएमटीपी एमडीए यानी मैसेज ट्रांसफर एजेंट वो मैसेज उसके खुद के मेल सर्वर पर आउटबॉक्स में वो ट्रांसफर करता है। आउटबॉक्स से यहाँ पर जो मेल सर्वर है वो डीएनएस की हेल्प से रिसीवर के मेल सर्वर का आईपी एड्रेस फेच करता है, और आईपी एड्रेस से उसके मेल सर्वर पर यानी रिसीवर के मेल सर्वर पर मेल को ट्रांसफर कर देता है। एमटीए मतलब मैसेज ट्रांसफर एजेंट। और कई बार जब हम अटैचमेंट्स भेजते हैं तो अटैचमेंट्स एसएमटीपी प्रोटोकॉल जो है वो टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है, यानी हम अटैचमेंट्स जो नॉर्मल अटैचमेंट्स हैं जैसे इमेजेस हैं वो हम भेज नहीं सकते, तो इनके लिए हमारे पास में एमआई यानी एक्सटेंशन होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। वो क्या करता है, नॉन स्टैंडर्ड्स यानी इमेजेस वीडियोस और या जो भी अटैचमेंट्स हैं उनको टेक्स्ट बेस्ड में कन्वर्ट करता है, एनकोड करता है। पहला ईमेल प्रोटोकॉल्स। तो बेसिकली ईमेल प्रोटोकॉल्स है क्या, तो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को इफिशियंट और रिलायबल बनाते हैं, ठीक है। अब ईमेल सिस्टम में दो टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं, पहला सेंडर साइड में वर्क करता है और दूसरा रिसीवर साइड में। तो सेंडर साइड में एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिसीवर साइड में दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, पहला है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। पहले सेंडर साइड की बात करते हैं, सेंडर साइड में एसएमटीपी प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एसएमटीपी है वो सिंपल मेल। नेक्स्ट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ईमेल सिस्टम में तीनों ही प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही होते हैं। नेक्स्ट ये बेसिकली ईमेल्स को इफिशियंटली और रिलायबली ट्रांसमिट करने के यूज करता है, यूज होता है इंटरनेट पर। नेक्स्ट एसएमटीपी सर्वर कैसे काम करता है। तो एसएमटीपी में क्या होता है, जो सर्वर होता है वो हमेशा लिसनिंग मोड में होता है, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। जैसे ही क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है वो टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। सर्वर रिक्वेस्ट को लिसन करता है और कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है उस पर्टिकुलर पोर्ट पे। नेक्स्ट कनेक्शन जैसे ही एस्टैब्लिश होता है वैसे ही एसएमटीपी सर्वर कंफर्म करता है क्लाइंट को कि अब आप मेल भेज सकते हो। जैसे ही क्लाइंट अज्यूम कर लेता है कि सर्वर ने ओके भेज दिया है वैसे ही वो क्लाइंट मेल भेजता है सर्वर को। तो पहला स्टेप एसएमटीपी में क्लाइंट के खुद के कंप्यूटर से लेकर के उसके खुद के मेल सर्वर तक ट्रांसमिशन का होता है जिसमें एसएमटीपी ट्रांसफर करता है। क्लाइंट के मेल सर्वर पर जैसे ही कंप्यूटर पर से लेकर के उसके खुद के मेल सर्वर पर मैसेज पहुंचता है उसके बाद में उसका मेल सर्वर डीएनएस की हेल्प से जो रिसीवर का मेल सर्वर है उसका डीएनएस की हेल्प से आईपी एड्रेस फेच करता है। नेक्स्ट ये बेसिक एग्जांपल है जिसमें सेंडर जो है वो जैसे ही मैसेज भेजता है एसएमटीपी प्रोटोकॉल उसको उसके मेल सर्वर तक पहुंचाता है फर्स्ट स्टेप में। यहां पर डीएनएस वर्क करता है, ये जो मेल सेंडर का मेल सर्वर है ये डीएनएस की हेल्प से रिसीवर के मेल सर्वर का आईपी फाइंड आउट करता है और मैसेज आगे ट्रांसफर होता है। एसएमटीपी के कॉमन फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एसएमटीपी दो बार यूज किया जाता है, पहली बार क्लाइंट के कंप्यूटर से लेकर और उसके खुद के मेल सर्वर के बीच में, और सेकंड टाइम उसके मेल सर्वर से लेकर के रिसीवर के मेल सर्वर के बीच में। नेक्स्ट जो कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो तीनों ही प्रोटोकॉल्स में हैं वो इस तरीके से हैं कि जो ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं वो चाहे एसएमटीपी हो, पॉप हो, आईमैप हो, वो सभी इनबैंड प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब डेटा और कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक ही कनेक्शन पर ट्रांसमिट की जाती है, ना कि अलग अलग कनेक्शन एस्टैब्लिश किए जाते हैं। सभी प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं और टीसीपी कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की ऊपर। एसएमटीपी प्रोटोकॉल है वो पुश बेस्ड प्रोटोकॉल है, मतलब एक बार आपने एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया तो मैसेज को वो अगेन आगे पुश अप करता है यानी फॉरवर्ड करता है। टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, टीसीपी पोर्ट नंबर 25 पर वर्क करता है,
पोर्ट नंबर लगभग वही है जो कंप्यूटर के ऊपर सर्विस को आइडेंटिफाई करता है। आईपी एड्रेसेस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है जबकि पोर्ट नंबर सर्विस को आइडेंटिफाई करता है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पर। नेक्स्ट परसिस्टेंट कनेक्शंस करते हैं। परसिस्टेंट का मतलब ये है कि अगर मल्टीपल मेल्स हैं तो वो एक ही कनेक्शन की हेल्प से मल्टीपल जितने भी ईमेल्स हैं वो सारे के सारे एक ही कनेक्शन पर ट्रांसमिट होंगे। नेक्स्ट कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है इनबिल्ट प्रोटोकॉल। मैंने पहले बताया कि इनबिल्ट में कंट्रोल और डेटा जो है वो एक ही कनेक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। आउटबिल्ट प्रोटोकॉल्स में डेटा अलग कनेक्शन से या ट्रांसमिट होता है और कंट्रोल इंफॉर्मेशन है वो अलग कनेक्शन पर ट्रांसफर होती है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल है यानी जैसे ही एक बार कनेक्शन डेटा एक्सचेंज पूरा हुआ डेटा एक्सचेंज पूरे होते ही जो भी हिस्ट्री थी वो ये रिमेंबर नहीं करेक्ट। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है वो बेसिकली रिसीवर साइड पे वर्क करता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है अगेन पर्पस जो है वो बेसिकली जो रिसीवर का मेल सर्वर है वहां से लेकर के और जो ईमेल्स हैं उनको फेच करना है। ये बेसिकली क्या करता है कि जो रिसीवर का मेल बॉक्स है उसमें से एक मैसेज को फेच करता है या रीड करता है और उनको क्लाइंट के कंप्यूटर पर डाउनलोड कर देता है। मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल अभी रिसेंटली जो पॉप थर्ड है वो इसका रिसेंट वर्जन है। इससे पहले पॉप वन और पॉप टू भी थे और ये मोस्ट पॉपुलर है और रिसेंट वर्जन है। वही अगेन इसका जो पोर्ट नंबर है वो 110 है इस पर वर्क करता है। नेक्स्ट पॉप जब भी मेल रिसीव करना चाहता है तो वो अपनी कुछ कमांड्स हैं सेट ऑफ कमांड्स हैं जिनको वो इश्यू करता है जिससे कि वो मेल्स को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर पाता है। नेक्स्ट बेसिक वर्किंग जो पॉप है वो केवल और केवल रिसीवर के मेल सर्वर से लेकर के रिसीवर के बीच में काम करता है। ये केवल फैच करने का काम करता है जो मेल्स होते हैं वो यहाँ आकर के स्टोर रहता है। पुल बेस्ड प्रोटोकॉल है मतलब फैच करता है पुलिंग करता है मैसेज को। पॉप यूजेस टीसीपी कनेक्शन को यूज करता है तीनों ही लेयर्स जो है वो टीसीपी कनेक्शन को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन पोर्ट नंबर 110 ठीक है। परसिस्टेंट कनेक्शन है सेम जैसे एसएमटीपी परसिस्टेंट कनेक्शन यूज करता है वैसे ही परसिस्टेंट कनेक्शन पे ही वर्क करता है। जितने भी ईमेल्स होंगे वो एट ए टाइम एक सिंगल कनेक्शन से ही डाउनलोड हो जाएंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जब भी कोई भी ट्रांसमिशन या कोई भी डेटा एक्सचेंज होगा उससे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। बिना कनेक्शन एस्टैब्लिश हुए डेटा एक्सचेंज नहीं होता है। इनबिल्ट प्रोटोकॉल है इंटरनेट इसी के एक काउंटर पार्ट और है। रिसीवर साइड पे दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं पहला है पॉप और दूसरा है आईमैप। हमने पॉप देखा अब हम आईमैप देख लेते हैं। आईमैप भी वही काम करता है जो पॉप करता है पर इसमें और उसमें थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। आईमैप जो है वो बेसिकली मल्टीपल डिवाइसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज किया जाता है और ये मैसेजेस को डाउनलोड करने के बजाय डायरेक्ट रीड की फैसिलिटी भी यूजर को देता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो पॉप है वो आईमैप के द्वारा सुपरसीड कर दिया गया है। मतलब कि पॉप आजकल रेयरली कहीं यूज हो रहा है बाकी आईमैप ही मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस हैं वो आईमैप का ही यूज कर रहे हैं। सब उन प्रोटोकॉल अगेन किसी भी कनेक्शन सेम टू सेम जैसे कि एसएमटीपी और पॉप यूज करता है। पोर्ट नंबर है आईमैप का 143 है ये 143 पे काम करता है। परसिस्टेंट कनेक्शन से यूज करता है सेम तीनों ही परसिस्टेंट कनेक्शन से यूज करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज है इनबिल्ट प्रोटोकॉल है और सबसे बड़ी बात स्टेटफुल है। स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो पहले जितनी भी हिस्ट्री है उसे वो रिमेंबर रखते हैं जितना भी डेटा एक्सचेंज हुआ है उनकी वो हिस्ट्री मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में सिंक्रोनाइज किया जा सकता है मल्टीपल सर्वर्स के बीच किया जा सकता है। दोनों का कंपैरिजन पॉप जो है वो आपको अलाउ करता है मेल्स को रीड करना
पर इससे पहले रीड करने से पहले आपको उनको अपने खुद के कंप्यूटर पर यानी लोकल सिस्टम पर डाउनलोड करना पड़ता है। आईमैप में इसके अपोजिट केस होता है, इसमें आपको मैसेज जो है वो डाउनलोड नहीं करने पड़ते, मैसेज का कुछ कंटेंट्स जो है वो आप बिना डाउनलोड करे भी रीड कर सकते हैं। ईमेल्स हैं वो लोकल सिस्टम पे डाउनलोड होते हैं, उनकी कॉपी जो है वो लोकल सिस्टम पे क्रिएट होती है और सर्वर पर से डिलीट कर दिए जाते हैं, जबकि आईमैप में ऐसा नहीं होता। आईमैप में आपने जो रीड किया वो चाहो तो आप उसकी कॉपी भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, कॉपी डिलीट भी की जा सकती है, पर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली डिलीशन नहीं होता वहां पर। यूजर जो है वो पॉप के अंदर ना ही तो उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने मेल्स को और ना ही उनको सर्च किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने उसके खुद के लोकल सिस्टम पर डाउनलोड होते हैं, तो ऑर्गेनाइज करना और सर्च करना पॉसिबल नहीं है पॉप के अंदर। आईमैप में ये दोनों चीजें पॉसिबल है, वो मेल सर्वर के ऊपर स्टोर हो गए मेल्स, उन्हें हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जो हमारे पास में मेल्स हैं उनके अंदर हम एक पर्टिकुलर ईमेल को सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर से भी, लैपटॉप से भी, जितने चाहे डिवाइसेस से सिंक्रोनाइज हो सकते हैं और सभी के अंदर डेटा फेच किया जा सकता है, सभी को सेम रिफ्लेक्शन आएगा, उसमें मल्टीपल डिवाइसेस सिंक्रोनाइज हो सकते हैं। Next one.